हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आगे कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट। तो कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। हमने यहाँ पे 50 ग्राम बेसन लिया है, 1 कप पानी लिया है और 2 ब्रेड यूज़ करें। तो ये जो ब्रेड है हमारे पास, इन्हें हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। बेसन का पेस्ट बनाएंगे, इसमें ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो पेस्ट जो है वो बहुत पतला हो जाएगा। मैं पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट में टेस्ट के अनुसार नमक, लाल मिर्च और हींग मिक्स करेंगे। मिक्स हमने कढ़ाई में 4 से 6 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और कढ़ाई को मीडियम लो फ्लेम पे गरम करेंगे। तो ये जो ऑयल है, तेल है, गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने ब्रेड के पीसेस करे थे, इसको बेसन के पेस्ट में डिप करके अच्छे से डिप करेंगे। तो फिर ये जो कटलेट हैं इनको हमें थोड़ा सुनहरी होने तक तलना है। फ्लेम को कम रखना है, मीडियम रखना है ताकि ये जले नहीं। तो ये कटलेट जो है वो अच्छी तरह से तल चुके हैं। हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि ये जो ऑयल सोखा है कटलेट ने वो टिश्यू पेपर सोख ले। तो कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको सॉस के साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वेलकम टू, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे मिक्स बोलते हैं। हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि ये जो ऑयल सोखा है कटलेट ने वो टिश्यू पेपर सोख ले। सोखा है ऑयल। आप इसको सॉस के साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। वेलकम टू। अगर सॉस वाला फोटो खींच लो।